आपके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में मास्टरमाइंड ललित झा ने कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद दिल्ली पुलिस ने ललित को स्पेशल सेल को सौंप दिया है। ललित पर संसद के बाहर घटना का वीडियो बनाने का आरोप लगा है, और यही नहीं आरोप बहुत सारे हैं। आरोप ये भी है कि उसी ने इस तारीख को तय किया था, उसके बाद जो आरोपियों का मोबाइल फोन है वो भी ललित झा ने ही ले लिया था। अब ऐसे में उस मोबाइल फोन में कितने सुराग है, कितने सबूत पाए जाते हैं, इन सब की जांच पड़ताल होना अभी बाकी है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ललित झा जो कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उसी की जांच पड़ताल की जा रही है। अब जाना ये जा रहा है कि ललित झा पर जो आरोप लग रहे हैं उसके अलावा ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इन सब की जांच इस वक्त की जा रही है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जहां पर इस वक्त ललित झा को रखा गया है वहीं से मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, इस वक्त क्या अपडेट है? ललित झा पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, अब कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, अपडेट क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए, आज एक महेश नाम के अपने साथी के साथ नागौर से वो यहाँ पहुंचा था दिल्ली में, और देर शाम को ही उसकी भनक यहाँ पर दिल्ली पुलिस को लग चुकी थी। वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के नज़दीक में ही जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर पहुंचा था। कर्तव्य पथ के थाने में उसने बताया कि मैं खुद यहाँ पर सरेंडर करने आया हूँ, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद अब स्पेशल सेल के पास है। आज स्पेशल सेल उस शख्स से पूछताछ करेगी, क्योंकि वो इस खेल का सबसे राजदार है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, लेकिन उसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पूछताछ बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद ही उसे मेडिकल के लिए लिया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी में लेना चाहेगी और उसके बाद ही ये सिलसिलेवार पूछताछ शुरू होगी। क्योंकि जो आरोपी महेश इसके साथ था उसकी भी पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जो महेश के साथ वो यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि इसके पास वो सारे आरोपियों के मोबाइल फोन से उनका डेटा वो डिलीट कर सकता है, इस तरह के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद अब उससे पूछताछ शुरू होगी कि उसने वो सारे मोबाइल फोन की टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है, और वो इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि जो दिन चुना गया उससे ठीक 22 साल पहले वही वो दिन था जब संसद पर हमला किया गया था। अब ऐसे में जब फोन को खंगाला जाएगा तो बहुत सारे अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लग सकते हैं। बिल्कुल, यही सवाल जो है हमने कल दिल्ली पुलिस से भी पूछा था कि क्योंकि जिस तरह के यूपीए की सेक्शन 16 और 18 लगाया गया है उसका मतलब साफ है कि इनके ऊपर गंभीर धारा लगाई गई है, और आतंकी किसी संगठन से जुड़े तो नहीं है, इस तरह के सवाल यहां पर लगातार कोद रहे थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी ये गुजारिश की थी कि उनसे आतंक से संबंधित जो जाँच करनी है और ये सारे सवाल उनसे पूछने हैं, और इसके लिए उन्हें कई जगह ले जाया भी जा सकता है, इसलिए उन्हें एक लंबा प्रोसीजर चाहिए, लंबी 15 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में ही आप इस पूरी रिमांड में पूछताछ कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप आगे और उसको रिमांड को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो संगठन है, ये किस संगठन के जरिए ये सब पूछ कर रहे थे, फंड इन्हें कहां से मिल रहा था, ये सारी सवाल जो है पुलिस ने कोर्ट के सम्मुख रखे थे, और इसीलिए उनको 7 दिन की मोहलत दी गई कि 7 दिन में आप रिमांड में पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि 13 दिसंबर का ही दिन उन्होंने जो चुना था वो खास तौर से क्यों चुना था, क्या किसी संगठन के साथ ये लोग मिले हुए हैं? सवाल ये है कि क्या महज जो हमला हमने देखा, क्या उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ वही थी या और भी कोई बहुत बड़ी साजिश वो रच रहे थे? दीपक, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से हम आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। लेकिन ललित झा जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, आखिर वो है कौन, उसकी डिटेल क्या है, वो आपको हम बताते हैं। आरोपी ललित पर साजिश का मास्टरमाइंड होने का इस वक्त शक जाहिर किया जा रहा है, और उसी ने पूरे हंगामे का वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद वो सभी साथियों के मोबाइल फोन लेकर भी फरार हो गया था। जानकारी ये भी कहती है कि आरोपी ललित पत्रकारों की भीड़ में शामिल था, और इस साजिश में सभी को इकट्ठा करने में उसी की बहुत अहम भूमिका रही है। आरोपी ललित बिहार का रहने वाला है, जबकि पश्चिम बंगाल में वो शिक्षक था, लेकिन कैसे वो ये पूरी साजिश रचता है, कैसे वो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि वही चाहता था कि इसी दिन ये जो सारी साजिश रची जा रही है, जो प्लान है, इसी दिन उसे अंजाम दिया जाए। अब ऐसे में क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है, ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इन सबको इस वक्त खंगाला जा रहा है।